हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो प्रमुख बातें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। एक है पुनर्मूल्यांकन में किन अभ्यर्थियों के अंक बढ़ेंगे, दूसरा है पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं। ये क्वेश्चन लगातार मुझसे पूछे जा रहे हैं, तो सबका अलग अलग जवाब देने से अच्छा है कि एक वीडियो 2 या 3 मिनट की वीडियो में ही आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रिजल्ट इसका आ चुका था, सबको अपने अपने मार्क्स पता चल गए थे कि किसके कितने नंबर हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से लगभग 500 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कोर्ट चले गए थे क्योंकि उनकी आंसर की से मिलाने पर ज़्यादा नंबर बन रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तब कम अंक मिले उनको, ठीक है। तो ऐसे लगभग 500 के करीब अभ्यर्थी गए थे कोर्ट, लेकिन उसमें से लगभग 130-131 ऐसे ही शायद सुनने को मिला है कि इतने लोगों का लगभग सही पाया गया कि उनके साथ उनके जो रिजल्ट है उसमें गलत मतलब गड़बड़ अंक चढ़े थे, ठीक है। तो इस आधार पे आप देखिए, दोबारा कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि कंप्यूटर स्कैनर से चेक होते हैं ओएमआर सीट, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप देखिए, जो उन्होंने पुनर्मूल्यांकन वाली बात कही है, पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा है, तो पुनर्मूल्यांकन में ओएमआर सबकी फिर से चेक होंगी, सबकी चेक होंगी। लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही है क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने आंसर की में अपने नंबर्स मिलाए थे और उतने ही उनके रिजल्ट में आए, तो उनके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो आंसर की है उसको चेंज करने की कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से समझिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोग, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट भी आया था कि सर जी ये बताइए कि जूनियर एडेड में मेरा 89 नंबर था, आंसर की के मैंने मिलाया था और रिजल्ट आया तो इतना ही 89 ही मिला, तो क्या फिर से रिजल्ट जब आएगा तो मेरे नंबर फिर से बढ़ जाएंगे क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम छिपा दिया क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर एक और आया था, सर सभी का फिर से ओएमआर चेक कर होगा या फिर जिसे शिकायत की थी उसकी ही, प्लीज़ रिप्लाई सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई होगी कि ओएमआर लगभग सबकी चेक होगी, ठीक है, ओएमआर सबकी फिर से चेक हो जाएगी। लेकिन जो ये मान के चलिए, जो अंक है ये उन्हीं के बढ़ेंगे जिनका आंसर की में मतलब ज़्यादा बन रहे थे लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें कम बन रहा था, ठीक है। क्योंकि अगर आंसर की चेक होने के लिए यहाँ पे कोई बात होती कि आंसर की को फिर से बदला जाए, तो यहाँ पर नंबर्स कम ज़्यादा सबके हो सकते थे, किसी के भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब उन्हीं लोगों के लिए होंगे जिन लोगों के आंसर की में नंबर ज़्यादा बन रहे थे लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें कम नंबर रह गए, ठीक है। उम्मीद है आपको एक ये पहला डाउट ये क्लियर हो गया। और दूसरा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है कि सर पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिन से आप लोग सुन रहे होंगे कि 6000 पद हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे। तो आप लोगों की एक बात मैं बता दूं कि अगर ऐसा कुछ भी होता तो कितने दिन, लगभग 4-5-6 महीने हो गए हैं परीक्षा को, ठीक है। अब तक कोई ना कोई लेटर आ गया होता है कि पदों की संख्या बढ़ गई है या कुछ है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन की भी जब बात की गई तब भी कहीं पे भी नहीं कहा गया कि पद जो 1894 थे टोटल उसमें कोई इजाफा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ स्पष्ट है, ये इस भर्ती में एक भी पद नहीं बढ़ेगा। अगर इनको पद देना ही होगा तो ये दूसरी भर्ती दे देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार भी इनके पास पद ज़्यादा थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1894 ही होंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने भर्ती जो निकाली वो 1894 पे निकाली, अगर इनको पद बढ़ाने ही होते तो ये पहले ही बढ़ा देते, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी अब आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं और पुनर्मूल्यांकन में किन अभ्यर्थियों के अंक बढ़ेंगे। उम्मीद है आपके ये दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।